पीडब्ल्यूडी ने एक रास्ता बनाया था सीआरआईएफ, जिसमें 24 करोड़ सेंक्शन हुआ और प्रोजेक्ट एरिया है तीसा कैम्प, सेनोआ कैम्प से लेके पीकेवी स्कूल तक। तो वेरी सरप्राइज कि वीकेवी लॉन्गडिंग और सेनोआ कैम्प के बीच में ओनली 2 किलोमीटर 2.6 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, एंड दैट बोथ द लोकेशन इज वेरी मच ऑन द हाईवे। हाईवे में दोनों लोकेशन है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक पैरेलल मैंने एक रास्ता बनाया, पैरेलल रास्ता एक बनाया है, वो भी रेनबो से में बनाया है ऐसे झूला करके, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, कोई टारगेटेड डेस्टिनेशन भी नहीं है। अभी यह हम आंसर दे रहा है कि वहाँ हमें WRC फील है, एक आदमी का भी WRC फील नहीं है। अगर WRC फील होने से भी दो आदमी का, एक आदमी का परिवार का ही होगा, तो 24 करोड़ देके उसके लिए क्यों रास्ता बनाना है? ये वेस्ट नहीं है क्या? दिस इज अ वेस्ट ऑफ कॉमन फंड फॉर नो पर्पस, फॉर नो ऑब्जेक्टिविटी, फॉर नो यूटिलिटी। अभी हमको नाहरलगुन जाना है, ठीक है, तो ये तो 15 किलोमीटर है, लेकिन हम होलोंगी जाएगा, गोपुर जाएगा, फिर वो नारायणपुर, डैन बंडरवा होके ऐसे घूर के जाना, वो तो सीधा 18 किलोमीटर में जाइए, सीधा 15 किलोमीटर नाहरलगुन तो ईटानगर का डिस्टेंस, तो होलोंगी होके क्यों घूरना है? अगर जाना है तो WRC फील को ठीक करना है, तो WRC फील तक छोड़ो, फिर वापस क्यों आया VKV रास्ता में, VKV स्कूल में? दोनों एक जगह में है, सेम जगह में। ये तो माने मीनिंग नहीं होने वाला, ये बनाया होगा, बनाया है, और उसी समय के MLA ने फोन किया होगा डिपार्टमेंट को, हेलो ये रास्ता बना दो सेनोआ कैम से वो KVK तक बना दो। तो KVK हमारा वहाँ में KVK स्कूल है, KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र मोदी जी ने उसको इनाग्रेट किया था 2018 में, 2018 में मोदी जी ने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में इनाग्रेट किया था, वेरी पॉपुलर जगह। वहाँ तक मैंने एक साइड से रास्ता पहुँचा दिया, तो इस साइड से पहुँचाने के बाद था, तो तब मैं इलेक्शन में हार गया। तो अभी वो रास्ता को ऐसे ऐसे जलेबी बना रहा है, जलेबी बना के रास्ता को खा जा रहा है, दिस इज रॉन्ग, और ये मिसलीडिंग आंसर है ये। तो ये चीज को बता दिया KVK पहुंचा दो, तो वो PWD वालों ने KVK क्या है मालूम नहीं, कभी सुना नहीं होगा KVK, तो इसलिए VKV बोल लिख दिया उसमें ने। KVK और VKV के साउंड तो एक जैसे सुनता है ना, तो KVK बोल दिया तो VKV लिख दिया, तो प्रोजेक्ट वहां में खराब हो गया। हमने ये प्रोजेक्ट कोई मीनिंग का नहीं था एक्चुअली। तो मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि इसका कोई फिसेबिलिटी एंड वायबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाया था क्या? रिपोर्ट लिया नहीं था कि इसका क्या यूटिलिटी होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, क्या पर्पस होगा बोल के इसका स्टडी नहीं किया था क्या? कोई किसी का MLA का और लीडर का टेलीफोन में सीधा रास्ता क्यों बना रहा है? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है KVK जो किसी विज्ञान केंद्र नरेंद्र मोदी जी ने जिसको इनॉग्रेट किया था, ये VKV के सामने में अभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ ही होगा, तो इसको कनेक्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया, रास्ता को जलेबी बना दिया। तो अभी वो KVK तक रास्ता पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट का कुछ, डिपार्टमेंट का कुछ प्लान है कि नहीं, ये मेरा दो सवाल है। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 9 के जो सप्लीमेंट्री जो यहाँ पे रखा गया है श्री थानवांग जी ने, इन्होंने जो एज पर डिफॉर्मेट क्वेश्चन ABCD जो पूछा है, उसका तो क्लियर कट डिपार्टमेंट को ओर से जवाब दिया गया है, ओसो भी सर्कुलेट भी किया गया है। हमें नहीं लगता है कि ये आंसर में कुछ मिसलीडिंग है। चलो, तो इन्होंने अभी जो
सप्लीमेंट्री के रूप में बताया तो बोला कि एक्जैक्ट डिस्टेंस जो रोड जो बनाया है उतना ज़्यादा दूर नहीं है, शायद वो रोड जो है कहीं घूमने के बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस करीबन लंबा हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है सेंक्शन हुआ था 2022-23 में अंडर CRIF। कुल मिला के इसमें जो डिस्टेंस जो कवर्ड होना चाहिए वो है करीबन 8.8 किलोमीटर्स, और ये ऑल वेदर रोड होगा जिसमें GSB, WBM 2-3, इसके बाद ब्लैक टॉपिंग ऑफ द एंटायर रोड, इसके बाद कलवर्ट स्लैब 32 नंबर्स है, इसके बाद 2 नंबर ब्रिज भी है और CC ड्रेन भी है इसमें। कुल मिला के अभी तक जो डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दिया है 40% फिजिकल अचीवमेंट इस रोड में हो गया है, मगर विधायक जी का जो कंसर्न है उन्होंने कहा कि ये रोड का जो सप्लीमेंट्री वन में जो फिजिबिलिटी और इसका जो वायबिलिटी का कंडक्ट स्टडी हुआ कि नहीं हुआ, ये किस कारण से डिपार्टमेंट ने इसको टेकअप किया है। तो डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट से और जो डिस्ट्रिक्ट से जो रिपोर्ट आया है यहाँ पे उन लोग अपना यहाँ मेंशन किया है कि जो एरिया है सेनुआ विच इज़ लोकेटेड बिटवीन तीसा एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन इज सेंटर्ड अराउंड तीसा सेनुआ कैंप एंड सेनुआ, द पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेजेस इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3000। तो ये रोड इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है अभी उतना ठीक नहीं है, तो रोड आने से उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना खेती बाड़ी को एक्सपांड करने के लिए। तो रोड होने से हम सब लोग बिलीव करते हैं कि बाकी डेवलपमेंट अपना अपना फॉलो ऑन हो जाता है। तो जैसे रोड्स तो सिंगल एक रोड होने से भी हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल रोड अगर अप्रोच होता है तो उससे जगह के लिए बेनिफिट भी होता है, नो डाउट। उसके लिए गवर्नमेंट का एक्सचेकर में थोड़ा झटका तो होगा क्योंकि आप मल्टीपल रोड्स बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, मगर उस मल्टीपल रोड्स में अगर डेवलपमेंट लोगों का अगर विकास होता है तो उसमें फिर डेवलपमेंट इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, तवांग में एंट्री जो नेशनल हाईवे का जो एंट्री है डबल लेन रोड वो तो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जितने भी जो मल्टी लेटरल रोड्स है तवांग को कनेक्ट करने के लिए करीबन 8-9 रोड होगा मेन रोड से तवांग को आप डायरेक्टली अलग अलग दिशा से जाने के लिए। तो जितने भी जो बाईपास रोड जो बनाया है उसमें अभी काफ़ी डेवलपमेंट आ गया है। तवांग इज़ नोन एज यू नो डेस्टिनेशन, गुड डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। तो जहाँ जहाँ से वो रोड गया है वहाँ पे लोग होटल्स बना रहा है, होम स्टेज बना रहा है ताकि अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएगा। तो ये जो रोड जो अभी जो मेंशन किया है, रोड फ्रॉम सुना कैम टू VKV लोंगडिंग वाया तिजान WRC फील्ड लोंगडिंग, तो इसमें मेन मकसद तो वही है कि शायद उस टाइम पर जो जनता था उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कि एक एडिशनल रोड मिल जाने से उन लोगों का खेती बाड़ी में उन लोगों का एक्सपांशन प्रोग्राम आने वाला दिनों में खेती वो लोग कर पाएंगे। और दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो इन्होंने रखा है कि जो KVK वहाँ पर जो है उसका कनेक्टिविटी के लिए सरकार क्या करेंगे, तो इसको आने वाला दिनों में मैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को लिखूँगा कि वो कनेक्टिविटी देने का प्लान क्या है और डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड में इसका कितना प्रायोरिटी में है, अकॉर्डिंगली वी विल टेक अप द मैटर। थैंक यू।